नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का उन्नति अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलेगा, तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक से जीरो लेवल से बात करूंगा और धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाकर अंत तक इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा, तब सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है, ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है, और इन दोनों का नाम एलसीएम और एचसीएफ ही क्यों रखा गया। ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल हम बेसिक पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं कि एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम होता है हमारा लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। और अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये होता हमारा लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, और ये होता हमारा महत्तम समापवर्तक। क्लियर, ये दोनों का हिंदी और इंग्लिश होता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका नाम लिस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों रखा है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका नाम क्यों रखा है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको दो शब्द यहां पर हैं, दोनों में डिफरेंस, जैसे लिस्ट और हाईएस्ट तो क्या हो गया हमारा, ठीक है, दोनों में कम ज्यादा वाला शो कर रहा, कॉमन दोनों में कॉमन हो गया, लेकिन जो ये मल्टीपल जो ये फैक्टर दे रखा है, ये मल्टीपल और फैक्टर अगर आपको शब्द समझ में आ गया तो आपको एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक समझ में आ जाएगा। क्लियर, देखिएगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मल्टीपल की, मल्टीपल होता क्या है। देखिएगा, मल्टीपल को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको गुणज कहा जाता है। क्लियर, ये गुणज शब्द से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, जैसे एवरेज टॉपिक के अंदर बने कि 5 के प्रथम 10 गुणज का औसत निकालिए, तो जिनको ये मल्टीपल शब्द समझ में आता है वही उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम गुणज, गुणज क्या होता है। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पर ये लिया मैंने 5, तो 5 का जो मल्टीपल क्या होगा, 5 की एक्चुअल में जो टेबल होती है जो 5 के गुणज में है, मतलब जिसमें 5 का गुणा हो रहा है एक प्रकार से, वही क्या होगा हमारा मल्टीपल होगा। जैसे 5 हो गया, 5 का मल्टीपल होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ऐसे बढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, तो जो 5 के मल्टीपल में, जैसे क्या यहां पर 5 को मैं अगर करूं तो 5 into 1, ठीक है, यहां पर 5 जो है ये मल्टीपल में 1 के। क्लियर, तो ये यहां पर अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया 5 into 2, 5 into 3, मतलब 5 ये मल्टीपल में यहां पर हर जगह पर आपको दिखाई देगा। तो मल्टीपल क्या होता है, अगर किसी संख्या का उसी में आपस में मल्टीप्लाई कर करके अगर हम किसी संख्या को बनाते हैं तो वो क्या होती है, उस संख्या की मल्टीपल या फिर गुणज होती है। क्लियर, चलेगा, अब बात करते हैं हम फैक्टर की, फैक्टर हमारा क्या होता है। क्लियर, फैक्टर को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, गुणन खंड। ठीक है, अब ये गुणन खंड क्या होता है, जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पर 20 फैक्टर, फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड कर दे, क्या कर दे, जो उस संख्या को डिवाइड कर दे। जैसे इस 20 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, इसको 20 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, 10 डिवाइड कर सकता है और 20 डिवाइड कर सकता है। 25 कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। 30 कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं ये सभी हमारी क्या होगी, ये 20 की गुणनखंड या 20 के फैक्टर होंगे। इन सारे शब्दों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो ओरिजिन है हमारा, जो ओरिजिन है एलसीएम एचसीएफ का, वो यहीं से हुआ, वो कोई अलग नहीं है एक प्रकार से। बहुत बार हम क्या करते हैं, एलसीएम एचसीएफ तो हमें याद है कि समापवर्तक हो गया, ठीक है, महत्तम समापवर्तक हो गया, लघुत्तम समापवर्तक हो गया, लेकिन एक्चुअल उसका बेस हमें नहीं पता होता। अगर बेस पता होता तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन को समझ सकते हैं, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब देखिएगा, दो चीज तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि गुणज क्या होता है, उसी संख्या आपस में अगर हम मल्टीपल में चलती जाएगी तो वो उसका गुणज होगा, और अगर उस संख्या को डिवाइड करने वाली जो संख्या होती है वो क्या होती है, उसकी फैक्टर या गुणनखंड होती है। अब इसी के कारण एक छोटा सा बेसिक है, वैसे ही ये 5 से, मेरे को आप बताइएगा, मल्टीपल के केस में जो संख्याएं हैं वो 5 से बड़ी या 5 के बराबर है। क्लियर, मल्टीपल के केस में जो संख्याएं हैं वो हमेशा या तो 5 के बराबर होगी या 5 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो इसी कारण से जो एलसीएम का जो आंसर आता है ना, वो हमेशा क्या आता है, या तो बराबर आता है या फिर बड़ा आता है। क्लियर, एचसीएफ की अगर बात करें तो जो फैक्टर होता है, जो गुणनखंड होता है, वो या तो बराबर होगा या फिर क्या होगा, छोटा होगा। तो इसी कारण से यहां पर भी जो एचसीएफ का हमारा जो आंसर आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट आंसर, ठीक है, जो आंसर आता है वो क्या होता है, हमेशा
छोटा होता है। क्लियर चलेगा? तो ये बहुत बेसिक सी चीज है। अब इसका कहां अप्लाई होगा ये मैं आपको बताता हूं। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिएगा मैंने एक संख्या यहां पर ली कि 5 और 10 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मैं बात कर रहा हूं बिल्कुल जीरो लेवल की, ठीक है? मैं अभी डायरेक्ट एप्लीकेशन या जो तरीका वगैरह वो अप्लाई नहीं कर रहा हूं। जैसे मुझे 5 और 10 का अगर मुझे एलसीएम लेना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा 5 के मल्टीपल, 5, 10, 15, 20, 25, ये मेरे 5 के मल्टीपल हो गए, ठीक है? उसी प्रकार से मैं 10 के मल्टीपल लिखूंगा, 10 के हो जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50। क्लियर? ये मेरे 10 के मल्टीपल हो गए। अब देखिएगा, अब शब्दों पर ध्यान देना पूरा का पूरा, ठीक है? देखिए क्या बोला गया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहला काम तो आप मेरे को बताइए, क्या 5 के सभी मल्टीपल है? बिल्कुल है। क्या 10 के सभी मल्टीपल है? बिल्कुल। तो मल्टीपल वाला शब्द तो हमारा पूरा हो रहा है। अब हमें क्या करना है, दोनों में कॉमन देखना, कॉमन कौन कौन दिखाई दे रहा है? तो मुझे यहां पर कॉमन दिखाई दे रहा है 10 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्लियर? मुझे 20 भी कॉमन दिखाई दे रहा है। क्लियर? मुझे 2 संख्याएं कॉमन दिखाई दे रही, एक तो मुझे दोनों में 10 कॉमन दिखाई दे रहा है और एक मुझे दोनों में 20 कॉमन दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब आगे क्या लिखा हुआ, लिस्ट, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बोला गया, लिस्ट। लिस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है इसके अंदर, 10 है। तो एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। ये मैं बेसिक की बात कर रहा हूं कि इसका नाम एलसीएम ही क्यों पड़ा। ये 10 क्या है, ये 10 लिस्ट है। ये 10 क्या है, ये 10 कॉमन है। ये 10 क्या है, ये 10 मल्टीपल है। आई होप क्लियर सभी का। इसलिए इसका नाम पड़ा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जनरली 1/5 और 1/10 दे रखा है और इसका हमें क्या निकालना रहता है, एलसीएम सपोज निकालना रहता है। तो कुछ लोग बोलते हैं सर एलसीएम 10 आएगा, कुछ बोलते हैं सर 20 आएगा। फिर मैं बोलता हूं कि 10 एलसीएम सही है, तो स्टूडेंट फिर आवाज उठाते हैं, बोले सर 20 क्यों सही नहीं हो सकता है, ये तो गलत बात है, आप किसी का सपोर्ट कर रहे हो और हमें गलत बता रहे हो, 20 बताओ क्यों एलसीएम नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, 20 एलसीएम हो सकता है, लेकिन ये बड़ा एलसीएम है। एलसीएम हमारा 2 डिजिट का, अगर मैं सबसे छोटे बात करूं अगर एलसीएम की, तो ये 10 होगा। लेकिन अगर इससे बड़ा एलसीएम पूछा जाए कि 10 से बड़ा एलसीएम कौन सा होगा, तो 20 होगा। उससे बड़ा कौन सा होगा, 40 होगा। जो भी मल्टीपल में एलसीएम 3 डिजिट का हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 डिजिट का भी हो सकता है, कितने ही डिजिट का एलसीएम हो सकता है। लेकिन जब तक ये गिवन नहीं हो, तब तक हम हमेशा एलसीएम जो निकालेंगे वो कौन सा निकालेंगे, सबसे छोटा ही निकालेंगे। क्लियर चलेगा? तो यहां पर हम बाकी इनको एलसीएम नहीं मानेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा, हमें हमेशा सबसे छोटा ही लेना, और एलसीएम एक्चुअल डेफिनेशन भी यही होती है। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन भी अभी अपन समझेंगे, चलेगा? तो इतना, इसके बाद मैं एचसीएफ भी डिस्कस कर लेता हूँ। साथ ही मैं एक और एग्जाम्पल यही ले लेता हूँ, सपोज कि 5 और 10 का आपको एचसीएफ निकालना, सपोज। क्लियर? एचसीएफ क्या होगा, तो देखिएगा एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 का सबसे पहले फैक्टर निकाला 1, ठीक है, और हो गया हमारा 5। क्लियर? 1 और 5 ही हमारा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा 5 का। और 10 के अगर मैं फैक्टर की बात करूं मैं, तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा 5 होगा और 10 होगा। क्लियर? अब अगेन मैं दोनों के अंदर अगर बात करूं कॉमन, तो कॉमन यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 5 है और यहां पर 5 है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन यहां पर क्या दे रखा हमें, ये क्या दे रखा, वर्ड हमारा हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो फैक्टर दोनों है बिल्कुल, 1, 5 फैक्टर, 1, 5, 10 फैक्टर है, दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन यहां पर 1 हो गया और 5 हो गया। पर पूछा क्या, बोला क्या गया, हाईएस्ट मतलब से 5। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, 5 होगा। क्लियर? तो जो एचसीएफ होता है वो दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है, और जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर? तो जिनको भी नोट करना है, इतना आप नोट करते जाइए, उसके बाद में दोनों की डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि 5, 10, 15, 20 से ऐसी छोटी छोटी संख्या बताइए जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो वहां पर आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आपको एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। उस डेफिनेशन के बेसिस पर आपको समझना पड़ेगा कि एलसीएम निकालना या फिर एचसीएफ निकालना। क्लियर? इतना चलेगा। तो ये दोनों हिस्से को मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। आप इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन पर थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, ये हिस्सा मैं रब कर देता हूं, ठीक है? मैं एलसीएम की यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं और साथ ही साथ आपको उसको याद भी कराता हूं। देखिएगा एलसीएम की डेफिनेशन क्या होगी हमारी, एलसीएम वहां छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्लियर?
क्या है, देखो अब यहां पर आइएगा, ये जो 10 है ना, ये जो 10 है हमारा, यहां लिखता हूं मैं, ये जो 10 है देखिए एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम वहां छोटी से छोटी संख्या है, यहां पर 10 भी था 20 भी था, लेकिन मैंने क्या लिया यहां पर 10 लिया, मतलब ये क्या हो गई छोटी से छोटी होगी, एलसीएम वहां छोटी से छोटी संख्या है जो जो, ठीक है, दी गई संख्याओं, दी गई संख्या कौन कौन सी है, एक तो 5 है और एक 10 है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णता विभक्त हो जाए, क्या ये 5 से पूर्णता विभक्त हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्या ये 10 से पूर्णता विभक्त हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्लियर, बस यही डेफिनेशन है, क्लियर चलेगा। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होगी, एचसीएफ वहां बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभक्त कर दे, क्लियर। अब पॉइंट समझना आप, यहां पर क्या बोला गया हो जाए, तो मैंने इसको एलसीएम को ऊपर रखा था और नीचे संख्याओं को रखा था, अब एचसीएफ का क्या बोला गया डेफिनेशन के अंदर कि एचसीएफ वहां बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, दी हुई संख्या कौन सी, जैसे 5, 5 ये संख्या होगी, इसको मैं अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, अगर मैं 10 को भी 5 से डिवाइड करूंगा तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, क्लियर। एलसीएम ऊपर रखते हैं हम नीचे, और नीचे क्या रखते हैं संख्या रखते हैं, क्लियर, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ऊपर हम क्या रखते हैं संख्या रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं एचसीएफ रखते हैं, क्लियर, ये शब्द आपको समझता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि दी हुई संख्याओं से ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, पॉइंट टू बी नोटेड, कर दे, तो क्या निकालना है एचसीएफ, और हो जाए तो क्या निकालना है एलसीएम। इसको एक और अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं याद रखने का, देखिएगा इतना आप यह नोट करना चाहे तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, ये मैं दोनों डेफिनेशन को रब कर रहा हूं, आपको कभी स्पीड लगे तो बिल्कुल बताते जाइएगा, कुछ चीज समझ नहीं आए तो भी बिल्कुल बताते जाइए, ठीक है। तो डेफिनेशन इतना ही होगा, आपको क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार और डेफिनेशन को थोड़ा सा शॉर्ट में वैसे आपको बता देता हूं। इसको आप ऐसा मान लीजिए, सपोज कि एल और एम का मतलब होता है लव मैरिज, क्या होता है लव मैरिज मान लीजिएगा आप, ठीक है। एलसीएम क्या होती है, एलसीएम छोटी से छोटी संख्या होती है जो पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्लियर। और एचसीएफ क्या होती है, वहां बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो पूर्णतः विभक्त कर दे, क्लियर। ये दो शब्द आपको याद रखना है, एक छोटी से छोटी संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए और बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभक्त कर दे, क्लियर। तो देखिएगा इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि एल और एम का मतलब होता है लव मैरिज, क्या होता है एल और एम का मतलब, मान लीजिए सपोज लव मैरिज होता है, अब मेरे को बताइए लव मैरिज जो होती है वो कैसी होती है, बोले पता नहीं सर बस हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं चलेगा। तो देखिएगा लव मैरिज जो होती कैसी होती, छोटी से छोटी होती है, मेरे को बताओ खाली हार का खर्चा आता है, भगने में क्या ज्यादा खर्चा आता है क्या, बहुत ज्यादा ढोल नगाड़े गाड़े किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होती है, बस खाली दो हार चाहिए, एक सामने वाले को चाहिए एक उसको चाहिए, ठीक है, एक दूसरे ने हार पहना है और गए और शादी हो गई, ठीक है। तो जो लव मैरिज होती है वो कैसी होती है, छोटी से छोटी होती है, और ये कर देते हैं या हो जाती है, ये तो हो जाती है, ठीक है, हो जाए, क्लियर। तो यहां पर ऐसे याद रखना है कि जो लव मैरिज होती है वो कैसी होती है, छोटी से छोटी होती है और हो जाती है, क्लियर। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब से जहां पर हाईएस्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है, क्लियर, जहां पर बहुत खर्चा होता है, कौन सी शादी में होता है बहुत खर्चा, वो होता है अरेंज मैरिज में, किसमें होता है अरेंज मैरिज में, तो जिसमें हाईएस्ट एक्सपेंसेस होता है वो शादी कैसी होती है, बड़ी से बड़ी होती है, कैसी होती है बड़ी से बड़ी होती है, और साथ ही साथ वो हो जाती है या कर देते हैं, वो कर देते हैं, क्लियर, क्योंकि वहां पे बांधते हैं, आपने देखा होगा सात फेरे लगवाने के लिए, ठीक है, ये मतलब से क्या हुआ कर देते हैं, क्लियर चलेगा। तो इस तरह से याद रखना आपको कि लव मैरिज जो होती छोटी छोटी होती और हो जाती है, और मैरिज जो एक्सपेंसेस में हाईएस्ट एक्सपेंसेस होता है बड़ी से बड़ी होती है और कर देते हैं, क्लियर। तो आई होप ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रहेगी, चलेगा क्लियर। और यहां से फालतू ज्ञान नहीं लेना है कि सर ने तो बोला था लव मैरिज छोटी छोटी होती है और हो जाती है, तो बोले अब तो करना ही पड़ेगा, अब सर ने बोला है, ठीक है चलेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करता हूं, मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, देखिए एक क्वेश्चन हमें दे रखा है यहां पर 84, 126 और 140 का हमें क्या निकालना है
एलसीएम निकालना। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से डिस्कस कर रहा हूं और धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो किस तरह से हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो वही मैं बचपन वाला जो तरीका होता है मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। इस तरह से अपन फैक्टर निकालते थे, इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होती है, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा कहां उसका एप्लीकेशन लगाना है। लेकिन जब भी हाँ इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे सीधे ऐसे ही इसको सोल्व करना है, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आ जाएगा तो भी आप उसको सोल्व कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट आप इसकी टेबल भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेगा, तो सबसे पहले तो इसको अपन डिवाइड करते हैं, दो से इसको डिवाइड करेंगे हम, दो से डिवाइड हो गया फोर टाइम्स, दो से दो बार चला जाएगा, ये दो से सिक्स टाइम्स, थ्री टाइम्स, सेवन टाइम्स और जीरो, क्लियर। अगेन आप टू से डिवाइड करते हैं इसको, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, 63 ऐसे ही रहेगा और 35 ऐसे ही रहेगा, क्लियर। अब बात करता है किससे कैंसिल हो जाएगा, ये टू से तो नहीं होगा, अब थ्री से होगा, ये थ्री से सेवन टाइम्स, थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा, ठीक है, 35 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब ये थ्री से हमारा डिवाइड हो जाएगा एक बार और, सेवन थ्री से सेवन टाइम्स और 35 ऐसे ही रहेगा। अब मैं डायरेक्ट सात से डिवाइड करता हूँ, सेवन से वन टाइम्स, सेवन से वन टाइम और सेवन से फाइव टाइम्स, और फाइव सब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, वन वन वन, क्लियर। किसी के मन में ऐसा खुरापाती प्रश्न तो नहीं आ रहा कि सर पहले सात ले लिया फिर पांच कैसे ले लिया, हमें तो हमारे बचपन वाले जो खुकार टीचर होते थे उनने बोला था सबसे छोटी उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू कैसे ले ली बीच में, यहाँ पर पहले पांच आएगा ऐसा, मतलब बचपन में ऐसा बोला हुआ, उस जमाने के जो खुकार टीचर होते थे वो ऐसे बोलते थे जनरली, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्राइम नंबर चाहिए, अभाज्य संख्या चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा अभाज्य संख्या क्या होती है जहां जरूरत लगेगी, ठीक है। अभी तो आप वैसे ही समझ लीजिएगा कि दो तीन और सात पांच ये क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है, और फैक्टर अपन ने समझा भी क्या होता है, ठीक है। चलेगा, तो यहां पर अब इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, ठीक है, तो हो गया टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू फाइव, सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 35, 35 टू जा 70, 70 टू जा 140, 143 जा हो जाएगा हमारा 420, क्लियर। 420 हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, एलसीएम हो जाएगा, क्लियर। अब मैं इसी क्वेश्चन का एचसीएफ निकालकर आपको बताता हूं, ये तो हमारा था एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना निकल कर आएगा हमारा 420 निकल कर आएगा। अब बात करते हैं हम HCF की, ठीक है, 84, 126 और 140। देखो HCF को समझना, आप HCF के भी दो तरीके होते हैं, पर मैं पहला वाला तरीका डिस्कस कर रहा हूं, दूसरा वाला तरीका जब अप्लाई करना, जब बड़ी बड़ी संख्याएं हो, ठीक है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। आपको एक ऐसी संख्या सोचना है जो तीनों को डिवाइड कर दे, क्या करना है आपको, एक ऐसी संख्या सोचना है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो यहां पर तीनों को डिवाइड कौन कर देगा, दो से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, दो से चार बार, दो से दो बार, दो से छह बार, दो से तीन बार और दो से सात बार और जीरो हो जाएगा। अब कोई ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे तो ऐसी संख्या क्या होगी बताइएगा, सात से हो जाएगा बिल्कुल, सात से छह बार, सात से नौ बार और सात से दस बार। अब ऐसी कोई संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे है क्या, ऐसी कोई संख्या नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, सात और दो का ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए मैंने सात और दो को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 14, और 14 ही क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा, क्लियर। चलेगा, तो एलसीएम जब भी आपको निकालना है तो इस तरह से निकालना है, और एचसीएफ जब भी आपको निकालना है तो इस तरह से निकालना है, क्लियर। चलेगा, 420, ठीक है, ये हमारा 2 हो गया था, 3 सॉरी एक गलती होगी यहां पर, हम एक 3 को लेना भूल गए थे, तो ये 3 का भी हम साथ साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये 3 का भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 1260 हो जाएगा, क्लियर। 4 3 12 और 2 6 12, ठीक है, 1260 होगा यहाँ पर, ये हमारा 420 गलत था, ठीक है। और एचसीएफ कितना हो गया हमारा 14, ये दोनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है। एलसीएम कितना होगा 1260 और एचसीएफ कितना होगा हमारा 14 होगा, क्लियर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, इसको मैं रब करता हूं, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा हमें 15, 18, 24, 27 और 36 का आपको निकालना है एलसीएम, क्लियर। अब देखिएगा एलसीएम कैसे निकालेंगे, वही तरीका, बस जो भी मैंने गलती की थी छोटी सी वाली गलती नहीं करना, आपको तीन को भूलना नहीं है, क्लियर। चलेगा, अब देखिएगा यहां पर क्या करेंगे, अब दो से डिवाइड हो रहा है क्या, ये
दो से इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा तो 15 ऐसा कैसे ही रहेगा, दो से इसको डिवाइड करूंगा तो 9 टाइम्स जाएगा, दो से 12 बार हो जाएगा और 27 हमारा ऐसे ही रहेगा और दो से ये 18 बार कैंसिल हो जाएगा। क्लियर सभी का? अब क्या इसको अगेन दो से डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से 15 ऐसे ही रहेगा, 9 भी ऐसा ही रहेगा, दो से 6 बार जाएगा, 27 अगेन ऐसे ही रहेगा और दो से 9 बार चला जाएगा। क्लियर? अब अगेन ये क्या दो से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, एक बार हो जाएगा लेकिन अब ठीक है 3 से कर देते हैं इसको, 3 से 5 बार हो जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार और 3 से 9 बार और 3 से 3 बार हो जाएगा। क्लियर? अब अगेन एक बार और 3 से डिवाइड कर देते, 5 ऐसा ही रहेगा, 1 आ जाएगा, 2 भी ऐसा ही रहेगा, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी अंत में ऐसी सिचुएशन आए कि 5 भी एक बार ही है, 2 भी एक बार ही, 3 भी एक बार ही है, तो बार बार आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं कि 5 से एक बार क्या, फिर 2 से एक बार क्या, 3 से एक बार क्या। ठीक है, ये खाली इससे आपके मन की शांति मिलेगी, बाकी इससे आगे कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने 2 लिख दिया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और 3 हो गया। क्लियर? अब इसका क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है, तो इनका सभी का आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 2 10, 10 3 कितना जाएगा 30, 30 3 हो जाएगा 90, 270, 272 जब 540, 542 जब 1080। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो इसी तरीके से आपको जनरली उसको सॉल्व करना है। चलिए अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं थोड़ा सा, बहुत ही सिंपल है, जिनको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल पूछते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, 8, 9, 12, 15 और 20, 25 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्लियर? अब देखिएगा क्या करेंगे यहां पर भी हम, सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, किससे डिवाइड करूंगा बताइए, सबसे पहले हम यहां पर 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। और ये डिवाइड का कैसे पता चलता है, ये मैं एक टॉपिक है वहां पर आपको बताऊंगा, मैं एक बार वो थोड़ा बहुत वैसे बता चुका हूं कि जब भी किसी संख्या के पीछे 2 आता है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और जब भी किसी संख्या के अंकों का जो योग है वो 3 की टेबल में आता है 3 से डिवाइड करेंगे, किसी संख्या के अंत के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर किसी संख्या के पीछे 0 और 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? चल गया, अब बढ़ते हैं हम आगे। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 से कैंसिल हो जाएगा मेरा कितनी बार, 4 बार। ठीक है, 9 ऐसा कैसे रहेगा, 2 से 6 बार कैंसिल हो जाएगा और 15 भी ऐसे ही रहेगा, 2 से 10 बार चला जाएगा और ये 25 भी ऐसा ही रहेगा। क्लियर? अगेन मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2 से 2 बार, 9 ऐसा ही रहेगा, 2 से 3 बार, फिर 15 ऐसा ही रहेगा, 2 से 5 बार और 25 भी हमारा ऐसा ही रहेगा। क्लियर? 2 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अब हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये 3 से मैंने 2 को ऐसे ही छोड़ दिया, 3 से 3 बार चला जाएगा, 3 से 1 बार चला जाएगा, 3 से 5 बार, 5 ऐसा ही रहेगा और 25 भी ऐसा ही रहेगा। अब देखिएगा यहां पर 3 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगेन मैं इसको स्किप करता हूं, मैं 5 की तरफ बढ़ता हूं। जब 5 से मैंने 2 ऐसा ही रहेगा, 3 भी ऐसा ही रहेगा, 1 भी ऐसा ही रहेगा और 5 से 1 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स और 5 से 5 टाइम्स। ठीक है, क्लियर? अब नीचे हमारा अगेन वही 1, 2, 1, 3, 1, 5। ठीक है, तब हम सभी को आपस में ले लेते हैं। तो ये मैंने यहां पर लिखा एलसीएम निकालना है, तो ये हो गया हमारा 2 × 2 × 3 × 5 × 2 × 3 × 5। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 3 = 15, 2 = 30, 30 × 30 कितना हो गया 900, 900 × 2 कितना हो गया 1800। तो 1800 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, आपको बस ये डिवाइड करने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अक्सर मैं देखता हूँ फेस टू फेस क्लासेस के अंदर जनरली स्टूडेंट ऐसी कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं कि 2 से 9 पे वार कर दिया। ठीक है, बोले सर 2 से जब 9 को डिवाइड किया तो 4.5 आया। ठीक है, ऐसा खतरनाक तांडव नहीं दिखाना बस आपको कि दशमलव में भी हम लेकर आ गए। ठीक है, ऐसा जो करने लगे हम तो पूरा ऐसा दशमलव दशमलव में नीचे आ गए, अब क्या करें, इस दलदल से कैसे बाहर निकाले। ठीक है, ऐसा कुछ करतब अपने को नहीं दिखाना है। क्लियर? चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल लेवल की क्वेश्चन नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 105, 165, 285 और 1365, इसका हमें निकालना है एसीएफ। ठीक है, अब देखिएगा, अब सबसे पहले हमें
एचसीएफ के बारे में मैंने क्या बताया, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जहां पर बड़ी बड़ी वैल्यू और हम सोच ही नहीं पा रहे कि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही, तो उस दशा में तो मैं बताऊंगा आपको एक लॉन्ग डिविजन टाइप की एक मेथड होती है इसके अंदर एचसीएफ निकालने के भी, तो उस तरीके से हम सोल्व करें। लेकिन जब ऐसा सिंपल से नॉर्मल क्वेश्चन रहता है तो उस दशा में हमें क्या करना है, तो मैंने वही बताया था आपको कि आपको एक ऐसी संख्या सोचना जो चारों संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तीन है तो तीनों को डिवाइड कर दे, दो है तो दोनों को डिवाइड कर दे, क्लियर। तो यहां पर मैं लूंगा सबसे पहले अंत में पांच 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 है, तो मैं डायरेक्ट पांच से यहां पर वार करता हूं, पांच से दो बार चला जाएगा, पांच से एक बार चला जाएगा, पांच से तीन बार चला जाएगा और ये पांच से तीन बार चला जाएगा, पांच से पांच बार चला जाएगा और ये सात बार चला जाएगा, ठीक है, और ये पांच से दो बार चला जाएगा और पांच से सात बार और पांच से तीन बार चला जाएगा, क्लियर। अब हमें अगली संख्या सोचना है, अगली संख्या मुझे तीन नजर आ रही है, दो रे तीन 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 छह, छह भी तीन की टेबल में आता, पांच सात बारह भी तीन की टेबल में आता, सात तीन दस दो बारह भी तीन की टेबल में आता, तो अब मैं इससे तीन पे वार करता हूं, ठीक है, ये तीन से इसको सात बार कैंसिल कर दिया, तीन से ग्यारह बार कैंसिल हो गया, तीन से एक बार, तीन से नौ बार, ठीक है, तीन से नौ बार और तीन से एक बार, क्लियर। अब कोई ऐसी संख्या जो इसको डिवाइड कर दे, उन्नीस मेरे को जैसे ही नजर आया, इलेवन भी, सेवन भी, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है, ये खुद से डिवाइड होती है, किसी संख्याओं से डिवाइड नहीं होती, तो इससे आगे हम जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्लियर। तो यहां पर हम फाइव और थ्री का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव थ्री से कितना हो जाएगा 15, और 15 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर सभी का, इतना चलेगा। तो एचसीएफ के केस में हमें क्या करना है, हमें उस संख्या को लेना है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी संख्या से दो बार डिवाइड कर रहे हैं, तीन बार डिवाइड कर रहे हैं, चलेगा, करेगा इसको नोट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा अगला, देखो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया हमारे, अब अगर फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन मतलब से भिन्न में, तो भिन्न की दशा में क्या करेंगे, जैसे सपोज हमारा फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 5/7 इस तरह के क्वेश्चन आ जाए और उनका एलसीएम पूछे, तो ऊपर क्या होता है हमारा, न्यूमरेटर होता है अंश, और नीचे क्या होता है हमारा, डिनोमिनेटर होता है हर, क्लियर, ऊपर अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर होता है। और जब इस तरह के क्वेश्चन का हमें एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, तो उस दशा के अंदर हम क्या करेंगे, चलेगा। तो मैं डायरेक्ट पहले तो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सपोज मुझे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है, भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, तो उस दशा में आपको एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, क्लियर, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, क्लियर, क्या करना है आपको, अगर आपको एलसीएम निकालना, किसका निकालना है एलसीएम, फ्रैक्शन का, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, अंश का तो क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, और हर का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, क्लियर। उसी प्रकार से अगर मेरे से क्या पूछ लिया जाए, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे हम, तो वही करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, क्लियर, और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब अंश को आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, और हर का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, क्लियर। देखिएगा जैसे ये एलसीएम है, मुझे एलसीएम निकालना है, तो ऊपर का क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एलसीएम, और नीचे का एचसीएफ, वैसे ही अगर मुझे सपोज एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, और नीचे का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, ये कॉन्सेप्ट आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है, जब भी एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, और जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम, आई होप क्लियर इतना, चलेगा। अब इस पर बेस्ड अपन एक क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा, चलिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं इस पर भी। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का एचसीएम, और बचा हुआ जो क्या कहां करना है आपको, नीचे तरफ करना है। देखिए एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 5, 14/33, ये आर एस अग्रवाल क्वेश्चन से मैं डिस्कस कर रहा हूं सब, आप चाहें तो बुक को भी रिफर कर सकते हैं। 42/55, 21/22 का आपको निकालना एचसीएफ, क्लियर। अब एचसीएफ निकालना है, हमने क्या सीखा अभी,
एचसीएफ निकालना, तो ऊपर का क्या निकालेंगे एचसीएफ और नीचे का क्या निकालेंगे एलसीएफ। क्लियर? तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले 14, 42 और 21 का तो हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, लिख दे रहा हूं इसे डायरेक्ट में। और ये हो गया 33, 55 और 22 का हमें क्या निकालना है एलसीएफ निकालना है। क्लियर? तो देखिएगा, अब मैं यहां पर सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल रहा हूं, तो एचसीएफ में यहां पर निकालता हूं 14, 42 और 21। वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पर मैं बिल्कुल अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पा रहे उनके लिए करके बता रहा हूं ये, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड कर देता हूं डायरेक्ट में, 7 से कितनी बार चला जाएगा 2 बार, 7 से 6 बार, 7 से 3 बार, ठीक है। अब कोई ऐसी संख्या जो 2, 6 और 3 को डिवाइड कर दे, 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है। क्लियर? तो 7 ही क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एलसीएम की, तो हो गया मेरा 33, 55 और 22। अब एलसीएम के केस में मैं डायरेक्ट 11 से डिवाइड करता हूं, 11 से 3 बार, 11 से 5 बार, 11 से 2 बार। क्लियर? सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 का 2 में क्या था 10, 10 का 3 में क्या था 3, 30 और 30 को मल्टीप्लाई 11 में क्या था कितना हो गया 330 हो गया। ये क्या हो गया मेरा एलसीएम हो गया। क्लियर? अब मुझे तो क्या चाहिए यहां पर, ऊपर चाहिए एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है मेरा 7, और नीचे चाहिए एलसीएम, एलसीएम कितना होगा 330, और यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 7/330 मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी एचसीएफ निकालना तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम, जब भी एलसीएम निकालना तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकाल देना आपको, वेरी इजी। चलिएगा, करते जाइएगा, नोट करते जाइए बिल्कुल। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना आपको, और बिल्कुल ऐसे पढ़ना है कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बस देख रहे हैं अपन उसमें पढ़ाई हो जाए, ठीक है। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर आप बैठेंगे तो ही आप एक्टिवली पढ़ पाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 11/14 और ऊपर हो गया 55/42, 33/35, ठीक है, और 44/63 का आपको निकालना एलसीएम। क्लियर? इससे पहले वाले में हमने एचसीएफ निकाला, अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो सीधे सीधे मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले का तो मुझे क्या निकालना है एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्लियर? तो सीधे सीधे मैं पहले एलसीएम निकाल देता हूं इसका, ये हो गया 11, 55, 33 और 44, ठीक है। सबसे पहले 11 से डिवाइड करेंगे 1 times, 11 से 5 times, 11 से 3 times और 11 से 4 times। क्लियर? अब कोई संख्या ऐसी जिससे हम और इसको डिवाइड कर सकें, ऐसी संख्या है ही नहीं जो हमें डिवाइड करे, किसी की इच्छा हो तो 2 से 2 बार डिवाइड करना चाहे तो कर सकते हैं। डायरेक्ट अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 3 12, 12 5 60, 60 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना आएगा 660। क्लियर? ये तो क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की, तो एचसीएफ के केस में हम क्या करेंगे 14, 42, 35 और 63, इनका चारों का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो 7 से इसको डिवाइड किया मैंने डायरेक्ट 2 times, 6 times, 5 times और 9 times। क्लियर? अब ऐसी कोई वैल्यू जो 2, 6, 5, 9 को डिवाइड कर दे, नहीं है, तो 7 ही क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब मुझे निकालना एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर निकालना पड़ेगा एलसीएम और नीचे निकालना पड़ेगा एचसीएफ। एलसीएम कितना हो गया मेरा 660 हो गया, और एचसीएफ कितना हो गया 7 हो गया। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 660/7। क्लियर? चलिए करते जाइए, नोट करते, बिल्कुल मैं 0 level से डिस्कस कर रहा हूं, मैं हर उस स्टूडेंट को ध्यान में रखकर चल रहा हूं जो बिल्कुल नहीं समझ पाते जैसे, क्योंकि मैथ में अक्सर सभी को प्रॉब्लम होती है कि कहां से शुरू करें, कहां से डिवाइड करें। और मैं ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा हूं कि खाली 3 questions मैंने करा दी और 3 की trick बता दी खतरनाक वाली, ठीक है। होता है आजकल यूट्यूब पे ज्यादातर यही देखने को मिलता है, ऐसे खतरनाक खतरनाक ट्रिक 3 questions में बता के बताते हैं, जैसे कि ये एलसीएम एचसीएफ के भगवान ने उतार ले लिया जैसे, ठीक है। बाकी हर जगह पर वो फिर एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो खाली एक प्रमोशनल टाइप से अच्छा रहता है वो, बाकी अगर रियलिटी की बात करें तो वो फिर नहीं हो पाता। चलेगा, देखिएगा अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इस पैटर्न पर बेस्ड हम करते हैं, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का आपको निकालना है एलसीएम।
ठीक है, एलसीएम निकालना तो ऊपर का डायरेक्ट एलसीएम निकाल देते हम, ठीक है, नीचे का एचसीएल, तो ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, 2, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 1 टाइम्स, 5 ऐसे कैसे हो गया, 2 से 2 टाइम्स हो गया, क्लियर। अब कोई संख्या नहीं है, 5 टू 10, 10 टू कितना हो गया 20, तो एलसीएम तो कितना हो गया मेरा 20 हो गया। अब बात करते हैं नीचे एचसीएफ, एचसीएफ हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 बार 3 बार 2 बार और 9 बार, ठीक है, तो डायरेक्ट मेरा 3 ही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ऐसी कोई संख्या है नहीं आगे जो और उस संख्याओं को डिवाइड कर पाएगी, क्योंकि यहां पर एक आ चुका है, चलेगा, तो 20/3 ही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब अगली तरफ हम बढ़ते हैं, कुछ दशमलव टाइप के क्वेश्चन, डेसिमल वाले क्वेश्चन आप देखिएगा, सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है वो डेसिमल वाले क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलती है, तो उनका मैं आपको एक तरीका ऐसा बताता हूं कि आपकी कभी समस्या ही ऐसी नहीं आएगी। देखिएगा, तो मैं सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, 1.75, 5.6 और 7 का आपको निकालना एचसीएफ, क्लियर। तो देखिएगा अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करो, बस दशमलव पर नजर रखना आपको, यहां ये दशमलव है, यहां भी है दशमलव गया, क्लियर। 1.75, 5.6 और 7 का आपको एचसीएफ निकालना, अक्सर क्या गलतियां होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला जो शुभ काम करना है वो दशमलव हटाना, ये दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 2 डिजिट है, मैंने 1 के बाद 2 जीरो लगा दिया, क्लियर। फिर यहां पर दशमलव हटाया तो मैंने 1 के बाद कितनी जीरो लगा दिया, 1 जीरो लगा दिया, और नीचे कितना हो गया, 1 हो गया, क्लियर। अब आपको ये दी हुई जो संख्याएं हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, इनको छोटा से छोटा करना है, ठीक है। ये काम आपको कभी भी नहीं भूलना, अगर ये गलती आपने की तो क्वेश्चन के आंसर आने का गलती के पूरे पूरे चांसेस होंगे। चलेंगे, सबसे पहले इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 25 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार और 8 बार, क्लियर। तो हो गया मेरा 7/4, ये हो गया 28/5 और ये हो गया 7/1। अब एचसीएफ की बात करें तो ऊपर निकलेगा एचसीएफ और नीचे निकलेगा एलसीएम, क्लियर। ऊपर क्या निकालना, एचसीएफ, और नीचे क्या निकलेगा, एलसीएम। तो हो गया 7, 28 और 7, ठीक है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से कैंसिल हो गया 1 बार, 7 से 4 बार और 7 से 1 बार, तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया यहां पर 7 हो गया, क्लियर। वैसे अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 20 हो जाएगा, क्लियर। अब मेरे को यहां पर 7 तो मेरा एचसीएफ हो गया और एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देता हूं मैं, 2 से इसको डिवाइड किया 10 बार, इसको डिवाइड किया 3.5, दशमलव जीरो हटाया, देखो हो जाएगा पॉइंट, शिफ्ट हो जाएगा 0.35 हमारा करेक्ट आंसर होगा, कितना 0.35 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी ने सीधे सीधे 175, 56 और 7 का एचसीएफ निकाला हो और 100 और 10 का एलसीएम निकाला हो और उसके बाद उसको सॉल्व किया होगा तो आंसर इससे वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो फ्रैक्शन है वो छोटे छोटे करके बताना है, क्योंकि एक्चुअल में कभी बचपन में पढ़ा होगा तो एक फ्रैक्शन एक भिन्न दिया जाता था और फिर ऐसा कुछ उसको बोला जाता था कि एक्चुअल फ्रैक्शन में या फिर उसको चेंज कीजिए तो उसको कैंसिल करके छोटा से छोटा बनाया जाता है, तो एक्चुअल में जो फ्रैक्शन होता है ना वो ये होता है एक प्रकार से अगर देखा जाए, ठीक है, चलेगा। तो जब भी डेसिमल वाले क्वेश्चन आए तो पहले नीचे जीरो शिफ्ट करके उसको कैंसिल करके उसको इस तरह से कुछ कन्वर्ट करना है कि वो और कैंसिल ना हो पाए और उसके बाद उस पर अपने को फ्रैक्शन वाला तरीका अप्लाई करना है, ठीक है। आप जीरो बढ़ाकर उधर सोल्व करेंगे तो उसमें भी गलतियां हो सकती है, ठीक है, कि हम सर सीधे सीधे जितनी दशमलव उतना उससे 100 से या 10 से मल्टीप्लाई करके उसको फिर सीधे सोल्व कर दें, उसमें भी गलती के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं गलत हो ही जाता है उसमें भी, ठीक है, चलेगा। अगला एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, इस पैटर्न पर भेज दे, पर इसमें आपको कभी भी गलती नहीं होगी इस तरीके से, ये मेरी श्योरिटी 100%, ठीक है। 0.35, 6, 1.2 और 4.8 का आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। देखिएगा आप कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले मैंने फिर दशमलव हटाया, 1 के बाद 2 जीरो लगाया, यहां पर मैंने दशमलव हटाया, 1 के बाद 1 जीरो लगाया, यहां पर भी मैंने दशमलव हटाया और 1 के बाद 1 जीरो लगाया, क्लियर। अब इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 4 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 9 बार, ठीक है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा मेरा 6 बार, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार और 4 बार, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, क्लियर। अब ये हो गया मेरा 9/25, ये हो गया 6/5, ये हो गया 24/5, क्लियर। एलसीएम निकालना तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ हो जाएगा हमारा, क्लियर। अब देखिएगा क्या करेंगे हम,
ये मैंने लिखा 9, 6, 24, क्लियर। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं इसको, 9, 2, 3, 6, 2, 12, 24, 3 से डिवाइड कर देते 3, 3, 3, 1, 3, 4, क्लियर। आपको इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही होगी। सीधे सीधे मैं लिख देता हूं 12, 36, 2 कितना गया 72, ये मेरा है एलसीएम। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की, देखिए एचसीएफ कितना आएगा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं एचसीएफ 5 आएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा मेरा 72 और नीचे हो जाएगा 5, 5, 1, 5, रिमेनिंग विच गेट 2, 5, 4, 20, रिमेनिंग पॉइंट लगा के फिर कितना हो जाएगा 5, 4, 20, 14.4 मेरा क्या होगा बताइए, आंसर होगा, क्लियर। तो जब भी दशमलव का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिएगा, आई होप इतना क्लियर, किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए, यहां तक नहीं है चलेगा, तब हम आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए नोट, कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीन शॉट से थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ये तो वो बात हो गई कि अपने एक बुक है, बुक को डाउनलोड कर करके रखते जा रहे हैं, ठीक है। बुक को बुक नहीं बनाना, बुक को अपने को कहा दिमाग के अंदर डालना है, तो उसके लिए कॉपी पे प्रॉपरली आप उसको सॉल्व कर करके आराम से लिखते जाइए, खुद की बुक के राइटर बनिए, क्योंकि रिविजन करने में भी आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी और सुविधाओं का ऐसा जमाना है कि वो दिन भी दूर नहीं कि अब दिमाग में चीजें कम, सब कुछ हम हार्ड डिस्क में रख के घूमेंगे, ठीक है। कि सर मुझे सब कुछ आता है, बस इस सिस्टम के अंदर है, मुझे इसको तो निकालना है, ठीक है। लेकिन आपको दिमाग को भी एक्टिव करने के लिए थोड़ा लगाना पड़ेगा माइंड। चलेगा, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 2.4, 0.36 और उसके बाद 7.2 का आपको निकालना एचसीएफ, क्लियर। चलिए, तो दशमलव हटाया यहां से तो 10 लगाया, फिर यहां से दशमलव हटाया तो 20 लगाया, फिर दशमलव हटाया तो 10 लग गया, क्लियर। अब आगे क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल करके छोटा से छोटा कर देते हैं। 2 से इसको कैंसिल किया तो कितनी बार हो गया, 12 बार, 2 से कैंसिल कितनी बार हो गया, 5 बार, तो ये हो गया 12/5, क्लियर। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार, 4 से कितनी बार हो गया, 25 बार, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितनी बार हो जाएगा, 36 बार, और नीचे कितनी बार हो जाएगा, 5 बार, क्लियर। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना, तो ऊपर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और नीचे का क्या निकालेंगे, एलसीएफ। डायरेक्ट मैं निकाल देता हूं, ये कर देता हूं मैं 12, 9 और 36 को, मुझे एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगा 4 बार, 3 से 3 बार, 3 से 12 बार, क्लियर। अब ऐसी कोई संख्या जो 4, 3, 12 को डिवाइड कर दे, नहीं है, तो 3 क्या होगा मेरा, एचसीएफ होगा, ठीक है। चले, अब एलसीएम मुझे निकालना है, तो ये हो गया 5, 25 और 5, तो 5 से डिवाइड किया मैंने इसको 1 बार, 5 से 5 बार, 5 से 1 बार, क्लियर। फिर 5 से इसको डिवाइड किया 1, 1 और 1, क्लियर। 5, 5 से कितना हो गया मेरा, 25 हो गया, तो मेरा जो एलसीएम है वो 25 हो गया, और एचसीएफ है वो कितना हो गया, 3 हो गया, तो हो जाएगा मेरा 3/25, क्लियर। इसको अगर डेसिमल में चेंज करना है तो डायरेक्ट हम दशमलव लगा देंगे, 1 दशमलव लगा देंगे हम तो ऊपर 0 पड़ जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा, बचेगा कितना फिर 5, तो 25 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 2 बार, तो 0.12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपको, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चलेगा। तो ये डेसिमल वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे जो है हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है।